इन लोगों ने जो हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है, वे घुटने टेक करके हाथ जोड़कर समूचे देश की और हिंदू भाइयों की माफी उन्हें मांगनी होगी। इस प्रकार की अगर किसी पिता को सदाचार करता है, बदतमीजी करता है, कोई विश्वमन करने का प्रयास करता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का प्रयास करता है, ऐसी फिल्म पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। हम सभी धर्मों के आस्थाओं का, श्रद्धाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हिंदू भाई संयमी हैं, सहिष्णु हैं। विगत कुछ काल से लगातार फिल्म जगत के कुछ लोग दुर्भाग्य से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। तांडव वेब सीरीज में भी इसी प्रकार का दुस्साहस उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार ने किया है। उन पर पुलिस FIR दर्ज करे, यह हमारी मांग है। वेब सीरीज़ को बहिष्कृत किया जाए और इन लोगों ने जो हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है, वे घुटने टेक करके हाथ जोड़कर समूचे देश की और हिंदू भाइयों की माफ़ी उन्हें मांगनी होगी। अब तक हम संयम बरतते रहे, पर आने वाले भविष्य में यदि फिल्म जगत के लोग हिंदू देवी देवताओं को या किसी भी धर्म की आस्थाओं को आहत करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें भरे चोक में जूते से मारने की आवश्यकता है। किस भाग को लेकर आपको आपत्ति है, वो जो सीरीज है, क्योंकि सीरीज तो रिलीज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अभी आप चाह रहे हैं कि उस सीरीज का कंटेंट बदला जाए। देखिए, शिवजी हमारी आस्था है। शिवजी का त्रिशूल और डमरू लेकर के जिस प्रकार के वाणी का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस प्रकार का विडम्बन किया है, उस विडम्बन का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और बार बार हिंदू देवी देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम संयम बरतते करके हो रहा है, क्या कारण है?